लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आइए ना। जरा पास आना, आना। ओके। स्माइल प्लीज। थैंक यू। थैंक यू। आपका घोड़ा बहुत अच्छा है। हाँ वो तो है। क्या मैं इसे चला सकती हूँ? देखिए मैं तो मान जाऊंगा लेकिन शायद ये नहीं मानेगा। मुझे राइडिंग आती है। ओके, अगर आप जिद करती हैं तो आपके रिस्क पर, जाइए। थैंक यू वेरी मच। राज, चलिए राज। अरे आई हूँ मैं। राज गिर जाएगी, पागल हो गई है। राज हेलो। राज राज सब कुछ ठीक है? ओह हाइनेस, आई एम सो सॉरी। आई होप ये लड़की आपको परेशान नहीं कर रही। जी बिल्कुल नहीं। इट वाज अ प्लेजर। दे आर वेरी वेल ब्रॉट अप गर्ल्स। थैंक यू। कम ऑन गर्ल्स, चलो बाय बाय। हमारे पास कंप्लेंट आई है कि तुम लोग बाहर लड़कों से मिला करती हो। नो मैडम। यस मैडम। लेकिन इसमें बुराई क्या है? बुराई तो कुछ नहीं है, लेकिन आप लोग कार चलाना जानती हैं? यस मैडम। जी आप लोग क्या ऐसी कार में सवार होना पसंद करेंगी जिसमें ब्रेक ना हो? जवानी भी ऐसी ही कार है जिसमें ब्रेक नहीं होता। अब सोचिए ऐसे में एक्सीडेंट होना कितना आसान है। लेकिन मैडम आज तक हम लोगों ने कोई गलत काम नहीं किया। आज गलत नहीं किया लेकिन कल तो गलत हो सकता है, और हमें आपके आज और कल दोनों की फिक्र है। राज। यस मैम। आपके डैडी आए हैं। डैडी? हाँ, वो आप तीनों को क्रिसमस वेकेशन के लिए बाहर ले जाना चाहते हैं। आप जा सकती हैं लेकिन हमारी वो ब्रेक वाली बात मत भूलिए, क्योंकि खता एक पल की होती है लेकिन उसकी सजा सालों साल तक भुगतनी पड़ती है। जी यस मैम। अब आप जा सकती हैं। थैंक यू मैम। मैम। आदाब। जीती रहो। पता नहीं किस उम्र की पट्टी ने हमारी कंप्लेंट। अरे वो सारी लड़कियां हमसे जलती हैं। हाँ। जलन का भी मोहब्बत में एक खास मकाम है। शट अप। यू नीड टू बी चिरोशाही। हां बेटे। बरका बेटे मुबारक, बहुत बहुत मुबारक। तुम्हारे डैडी को एमएलए का टिकट मिलने वाला है। आ, बेटे सलमा तुम्हारी मम्मी की तबीयत कैसी है? जी बिल्कुल ठीक है। वेरी गुड बेटे, चलो कार इंतजार कर रही है। चलो चलो चलो। भगवान करे इसमें से कोई शानदार रॉयल पर्सनालिटी उतरे। थोड़ी में जा सकती है, बिल्कुल भूतनी लग रही है तू। तो क्या? अरे अभी तो तुझे सजाएंगे, तुझे प्रिंसेस बनाकर भेजेंगे। आइए आप अपने घर को गौर से देख लीजिए, क्योंकि मैं आपके घर से बहुत कीमती चीज ले जाने आया हूँ। अरे भाई तशरीफ तो रखिए पहले। जा बहारों की मलका, आज तेरा शहजादा पर कटे पंछी की तरह तेरे कदमों में गिर पड़ेगा। मैं कैसी लग रही हूँ? हाय मल्लिका शहजादा, क्या सीन होने वाला है? अरे तेरा भी सीन जमा दियो यार। आपसे जो घोड़ा मैंने लिया था वो रेस जीत गया है। भाई ऐसा है कि आप जब भी हमसे सौदा करेंगे यकीनन फायदे में रहेंगे। मैं इंसानों को पहचानने में गलती कर सकता हूँ लेकिन घोड़ों को नहीं। मैं घोड़ों को पहचानने में गलती कर सकता हूँ इंसानों को नहीं। वैसे मैं आपके यहाँ एक अरबी घोड़ी है, उसी सिलसिले में बात करने आया था। पापा। अरे आओ बेटे आओ, अच्छा हुआ तुम आ गए। प्रिंस
मेरी बेटी से मिली है। हाय। नमस्ते। मैं इनसे पहले मिल चुका हूँ पोलो के मैदान में, तब ये पता नहीं था कि ये आपकी बेटी है। तो आप मिल चुके हैं पहले, बड़ी अच्छी बात है। आप दोनों बातें कीजिए, मैं भी हाजिर हुआ। हेलो, एक बोसा देना। बोसा? क्यों ये किस स्टुपिड? आज मैं थक सा गया हूँ कुछ। अरे जंगली, मैं सलमा बोल रही हूँ। बोलो। तेरे बिन दिल उदास है, मुझे तेरे जलवों की प्यास है। वाह। सो तो है, सो तो है। क्या हो गया तुम्हें? तुम्हें मुझसे? हाँ है, है। तो फिर बोलो ना, तुम्हें मुझसे प्यार है? हाँ, मैं प्यार करता हूँ। सभी अपनी माँ से प्यार करते हैं। माँ? मैं भी करता हूँ। तेरी माँ बीच में कैसे आ गई? वो तो शुरू से है भाई। ये कौन पूछ रहा है हमारे बारे में? माँ वो इकबाल। ओ, इकबाल। हाँ भाई। इकबाल क्या? वो इकबाल। अच्छा, तो बेटा इकबाल, आपकी अम्मी जान आपसे प्यार नहीं करती क्या? लो, उसने तो फोन ही बंद कर दिया। वो अम्मी वो ऐसा है कि उसकी उसकी माँ सौतेली है। अच्छा, बेचारा। बेचारा। मैं तुम्हारे पिताजी से कुछ मांगने आया हूँ। चीज कीमती है? हाँ कीमती तो है, वो मुझे ना भी कर सकते हैं। जानदार है या बेजान? जानदार, उन्होंने उसे बड़े बड़े नाजों से पाला है। हाँ मैं समझ गई, आप उस अरबी घोड़े के बारे में बात करने आए हैं ना, जिसकी आंखें बादामी हैं। बादामी या अमरनाइस। और बालों को छुआ तो ऐसे लगता है जैसे रेशम। रेशम, रेशम। हाथ लगाओ तो ऐसे लगता है जैसे मखमल को छू दिया हो। अरे मैंने आपके हाथ पर अपना नाम लिखा था, आपने मिटा क्यों दिया? शायद कच्ची स्याही से लिखा होगा, मिट गया। इस बार ऐसी पक्की स्याही से लिखूंगा कि मिटाए ना मिटे। Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear Arjun, happy birthday to you. दोस्तों, आज की सालगिरह मेरे जीवन में खास मायने रखती है। इस साल मेरी वीरान जिंदगी में प्यार और दोस्ती के फूल खिले हैं, और आज वो फूल इस महफिल में है। चीयर्स। चीयर्स। क्या हुआ, आप लोग शैंपेन नहीं पी रहे? हम लोग शराब नहीं पीते। अरे ये शराब नहीं, शैंपेन है। इसे खुशी के मौके पर पिया जाता है। आज मेरे पैदा होने की खुशी में आप लोग शैंपेन नहीं पियेंगे? बचपन और जवानी के बीच एक अनदेखी दहलीज होती है, शैंपेन का ये ग्लास उस दहलीज को पार करने में मदद करेगा। कम ऑन, चीयर्स। दैट्स इट, चीयर्स।
वंडरफुल, कितना अच्छा रंग है। यह आपका बेडरूम है? जी हाँ, यह है मेरा बेडरूम। यहां मैं पिछले 1000 साल से अकेला सो रहा हूं। आपकी उम्र 1000 साल की है? मेरी नहीं, मेरे इंतजार की। आपको किसका इंतजार है? उसका जिसे मेरी सालगिरह पर कोई तोहफा नहीं दिया। आप ठहरे प्रिंस, भला मेरे पास ऐसा क्या हो सकता है जो मैं आपको दे सकती हूँ? दे सकती हूँ। रुको, ये क्या कर रही हो सलमा? तुम्हें कैसा लग रहा है? मुझे तो डर लग रहा है। तुम्हें कैसा लग रहा है? मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मुगले आजम का सीन हो रहा है। तुम सलीम हो, मैं अनारकली, बैकग्राउंड में तानसेन गा रहा है। कोई आ तो नहीं जाएगा? सब कुछ भूल जाओ, सिर्फ इतना याद रखो कि तुम वो सलीम हो जिसने अनारकली के लिए अपने बाप से बगावत की थी। आओ। और करीब, और करीब, और करीब। तुम पूछोगे नहीं मैं तुम्हें यहां क्यों लाया हूं? जानती हूँ। क्या जानती हो? कि तुम्हारे मन में चोर है। चोर कैसा? जो मुझे मुझसे चुराना चाहता है। इरादा क्या है? चोरी होने का। सुने, आई लव यू। आई लव यू टू। अब हमें जाना चाहिए। तुम सचमुच जाना चाहती हो? अगर आप जिद करेंगे तो मैं नहीं जाऊंगी। क्या करेंगे? अबॉर्शन? डॉक्टर का कहना है कि अबॉर्शन के लिए बहुत देर हो चुकी है। तो फिर क्या करेंगे हम लोग? कुछ सोचते हैं। हम सब उससे बात क्यों नहीं कर लेते जिसकी वजह से हम सब परेशान हैं? उससे बात करके क्या होगा? यही क्यों उसे कहेंगे कि शादी कर ले? अगर उसने इनकार कर दिया तो फिर उसका सर फोड़ दे। ऐसा बात कर। और अगर उसकी कोई सच्ची मजबूरी हुई तो? जैसे? हो सकता है उसकी शादी कहीं और तय की गई हो। फिर तो सचमुच मुसीबत में फंस गए। जो तकदीर में लिखा हुआ होता है वही होता है। अब ये सोचो कि जो पैदा होने वाला है उसका क्या करना है। सीधी सी बात है, जब हमने आपस में फूल बांटे हैं तो दाग भी बांट लेंगे। दोस्ती का तकाजा तो यही है। फिर तो ऐसा किया जाए कि जो भी पैदा होने वाला है उसके लिए हम तीनों ही माँ बन जाएं, ताकि वो अपने आप को बदनसीब नहीं खुशनसीब समझे कि उसकी एक नहीं तीन तीन माएं हैं और किसी के माथे पर दाग भी ना लगे। तो ये वादा पक्का? पक्का, बिल्कुल पक्का। वार्डन साहिबा, आदाब। अरे सलमा, अचानक यहाँ कैसे? बस यूँ समझ लीजिए कि मोहब्बत में बंधे हुए खींचे चले आए। या फिर कोई जरूरी काम ले आया। आप फौरन दिल की बात
कैसे समझ लेती हैं? कभी मैं भी तुम्हारी उम्र की थी। हाय 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 हाय, क्या दिन थे वो जवानी के। एक दिन यूं हुआ कि मैं जा तो माशाल्लाह अभी भी बहुत खूबसूरत है। खूब मस्का लगा रही हो, जरूर कोई खास काम है आज। ये रखिए 10,000 है, और पैसों की जरूरत पड़ेगी दे दूंगी। लेकिन किस लिए? यहाँ बहुत सारे प्राइवेट बंगलोज हैं, है ना? है? क्या है कि आप एक साल के लिए किसी एक बंगले को अपने नाम पर बुक कर लीजिए। लेकिन क्यों? हनीमून मनाने के लिए? मेरे नसीब में वो कहाँ, मून तो बादलों में छिप गया और हनी किताबों के दीमक चाट गए। वाह क्या बात है। बात ये है कि कॉलेज के इम्तिहान एक महीने के बाद खत्म हो जाएंगे, उसके बाद मैं उस बंगले में रहकर जर्नलिज्म का कोर्स पूरा करना चाहती हूँ, फिर घर जाऊंगी। वो चाल थी सलमा की, जबरदस्त चाल। प्राइवेट बंगलो उन तीनों ने मिलकर बुक किया था ताकि तुम्हें जन्म दे सके। तो क्या सलमा मेरी माँ है? वो मैं नहीं जानती, कोई नहीं जानता। जिस होशियारी से उन तीनों ने ये काम किया कोई जान भी नहीं सकता था। उनको जो करना था उन्होंने किया, मगर उसकी सजा मैं काट रही हूँ। फिर क्या हुआ? इम्तिहान खत्म हो गए, कॉलेज बंद हो गया, मगर वो तीनों यही थी।